हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आज बहुत दिनों बाद टॉपिक अपन लाइव पढ़ेंगे, तो जुड़ जाइए आप सभी। देखो, अपनी क्लास चल रही थी विद्युत वितरण प्रसारण वाली, तो उसी में है ये और लास्ट टॉपिक है। इसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे। और आज अपन सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो, सर्किट ब्रेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली फोर्थ सेमेस्टर में जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम होना है ना, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए पढ़ा रहे हैं। और बड़ा बड़ा मोटा मोटी पढ़ाएंगे जो अभी पूछा जा सकता हो फोर्थ सेम में, इसलिए फटाफट जुड़ जाइए आप सभी और फिर टॉपिक को शुरू करते हैं। हम सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है, और फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे अपन, ठीक है ना? हाँ नहीं भाई, फर्स्ट ईयर में तो नहीं आएगा मनीष, फिर भी वीडियो को लाइक आप ज़रूर करो। जो फोर्थ वाले हैं भाई, उनको तो शेयर करो। चलिए ठीक है, तो टॉपिक अपन पढ़ लेते हैं, बाद की बात में भी बातें करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो टॉपिक है सर्किट ब्रेकर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसको पढ़ी लो, क्योंकि फोर्थ इसमें सॉरी कंपटीशन एग्जाम में सर्किट ब्रेकर में से एक प्रश्न आपको जरूर मिल जाएगा। और फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं तो वो तो पढ़ी लो, क्योंकि उनके तो टॉपिक यही है, सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया टॉपिक यही है फोर्थ सेम वालों के, है ना? तो यार करते टॉपिक शुरू, इससे पहले कर दो वीडियो को लाइक और बढ़ते हैं टॉपिक को आगे लेकर के, है ना? ठीक है, लाइव आए नहीं है अभी, मैं देख रहा हूँ फर्क तो है कहीं ना कहीं। चलिए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, है ना? देखो टॉपिक का नाम है सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, सर्किट को ब्रेक करने वाला, तो आप सभी समझते भी होंगे। हिंदी में इसको परिपथ वियोजक या परिपथ विच्छेदक अपन कहते हैं, और नाम से ही पता लग रहा है सर्किट को ब्रेक करना, यानी इस तरह की युक्ति है जो सर्किट को ब्रेक करने के काम आती है। कब? जब सर्किट में कोई फॉल्ट हो, कोई दोष हो तब, ठीक है। जब सर्किट में कोई फॉल्ट या कोई दोष हो तब तो ऑटोमेटिक रूप से उसको बंद कर देगा, अदरवाइज अपन अब आपके प्रश्नों का जवाब दूं या मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं, पहले तो ये बता दो भाई। क्लास प्लेलिस्ट के हिसाब से आ रही है भाई, आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। बहुत दिन से उत्पादन और वितरण का ही चैप्टर चल रहा है, क्लास उसी की लग रही है, उसी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न डाले हैं मैंने। बीच बीच में जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी के आ रहे हैं, जो अपने बीच में ऑफलाइन क्लास के जो टेस्ट होते हैं, तो सोचते हैं कि वो भी आपको मिल जाए। भाई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको सीक्वेंस वाइज क्या चाहिए ये बताओ। बीच में से जहाँ से क्वेश्चन मिले पढ़ो ना। दूसरा, एक ही टॉपिक है अभी, बहुत वितरण प्रसारण वाला बहुत दिन से वो ही चल रहा है, उसी को पढ़ो आप, बहुत बढ़िया उसमें, ठीक है। आवाज़ के लिए जिन भाइयों को कम आ रही है, तो मैं उनको दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप ईयरफोन या हेडफोन का यूज करें, आपको आवाज़ बिल्कुल सही लगेगी, क्योंकि आवाज़ में कोई समस्या नहीं है। मैंने देखा है कि कुछ एक कोई समस्या आ रही है, ठीक है। हालांकि माइक अपने कर रखी है, व्यवस्था दूसरा आ रहा है, तो कोई बात नहीं। जिनको है समस्या तो प्लीज़ आप यूज योर हेडफोन एंड ईयरफोन जो भी है ना, ठीक है। और कर दीजिए वीडियो को लाइक जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। करते हैं टॉपिक पर बात। देखो सर्किट को ब्रेकर है तो नाम से ही पता लगता है ना कि जब किसी सर्किट में फॉल्ट हो, यानी दोष युक्त पोजिशन हो, तब तो ये सर्किट को ऑटोमेटिक ब्रेक कर देगा, जिसको अपन ऑटो ट्रिप या ऑटो ऑफ कह सकते हैं, ठीक है। और अगर अपन चाहते हैं जब भी हमारी जरूरत हो तब हम सर्किट को मेक और ब्रेक दोनों इससे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर एक, सामान्यतः ध्यान रखना है कि उच्च धारा के लिए काम में ले चले, लेकिन आजकल निम्न धारा पर भी काम आता है, जैसे अपने घरों में MCD अपन लगा रहे हैं, ठीक है। दोषयुक्त स्थिति में परिपथ को ऑटोमेटिक ऑफ करा देते हैं, और सामान्य अवस्था में अपन इससे मेक और ब्रेक करवा लेते हैं। ध्यान रखना है सर्किट ब्रेकर कंट्रोलिंग डिवाइस में भी आता है, क्योंकि सर्किट को मेक और ब्रेक करवा रहा है यानी कंट्रोल करता है, और कंट्रोलिंग डिवाइस के साथ साथ अपने ये कह सकते हैं कि सेफ्टी डिवाइस में भी आता है, यानी ये परिपथ को सिक्योर यानी सेफ्टी सुरक्षा भी देता है, ठीक है। तो लाइक डिसलाइक का शर्म मत करो भाई, कर दीजिए फटाफट लाइक वीडियो को, आगे चलेंगे, कोई बात नहीं। मैं देख रहा हूँ लाइक और लाइक में फर्क है,
जरूर आप इस चीज़ को ना छोड़े प्लीज, क्योंकि हमें सही मोटिवेशन मिलता है, हम ये सोचते हैं कि जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल सही लाइन पे चल रहे हैं। तो कल ये लाइव वीडियो को जरूर आप सभी और टॉपिक को देख रहे, यानी कंट्रोलिंग डिवाइस में भी आता है और सेफ्टी डिवाइस में भी आता है। सर्किट को मेक और ब्रेक भी करवा सकते हैं और जब सर्किट में दोष हो तब ऑटो ड्रिव भी करवा सकता है। इतनी सी बात ध्यान रखना इम्पोर्टेंट यहीं का था। देखो उसके बाद में है सर्किट ब्रेकर के नाम या सर्किट ब्रेकर के प्रकार। तो मोस्टली कंपटीशन एग्जाम में और ITI में तो है ना पूरे नाम ही आपसे पूछे जाएंगे, यानी फोर्थ सेमेस्टर में अभी जो एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये समझ लो कि उनसे तो पूरे नाम ही पूछे जाएंगे। तो देखो सबसे पहले एक सर्किट ब्रेकर का प्रकार है और वो है MCB, और सबसे छोटा ब्रेकर है और आई थिंक सब जानते होंगे कि इसका जो नाम है पूरा वो आप सबको याद भी आ रहा होगा। देखो उसके बाद में जो नंबर दो है वो होता है MCCB, ध्यान रखना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। 10 एक प्रकार के ब्रेकर होते हैं, सबका मैं एक एक करके आपको नाम बताऊंगा, सुनते रहिए बस, है ना। देखो सबसे पहला जो है MCB, पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और आजकल घरों में सबसे ज़्यादा लग रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से कई तरह के प्रश्न आपसे पूछे भी जा सकते हैं, सिंगल पोल की भी हो सकती है, डबल पोल की भी, ट्रिपल पोल और चार पोल तक की MCB हो सकती है। कलर में भी होती है रेड ब्लैक ग्रीन, और रेड होती है, ब्लैक होती है, ब्लू होती है और ग्रीन भी होती है, चार तरह के रंग भी होते हैं। सिंगल पोल डबल पोल जिस हिसाब से अपन काम में रहेंगे उस हिसाब से भी होती है। फ्यूज की अपेक्षा इसकी काफ़ी विशेषताएँ होती है जो आगे बढ़ेंगे अपन, और स्विच की रेस्पेक्ट में ऑन ऑफ का प्रोटेक्शन इसका अलग होता है। नेक्स्ट है आपका MCCB, पूरा नाम होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ठीक है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम होता है। और ये एक तरह से भी कह सकते हैं कि TPIC स्विच और ओवरलोड रिले का प्रोटेक्शन होता है एक साथ, ये मान लीजिए ट्रिपल पोल आयरन प्लेट स्विच और ओवरलोड रिले का एक साथ प्रोटेक्शन या कंट्रोल सर्किट का एक साथ प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। देखो उसके बाद में जो सर्किट ब्रेकर का प्रकार है वो ACB, नाम से पता लग रहा होगा AR सर्किट ब्रेकर, यानी वायु में सर्किट का मेक और ब्रेक होता है। जब सर्किट मेक और ब्रेक होता है उस दौरान उत्पन्न स्पार्किंग को वायु के माध्यम से यानी हवा के माध्यम से अपन उसका शमन करवाते हैं, ठीक है, बुझाते हैं उनको। उसके बाद में सर्किट ब्रेकर का जो प्रकार है वो है OCB, यानी ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ACDC क्या पूछ रहा है, ओके, मुख्य ACDC में होती है तो लाल रंग की होती है, आइसोलेटर बोलते हैं उसे, बताऊंगा आगे डिटेल पढ़ेंगे तब एक बार देखो। OCB है ऑयल सर्किट ब्रेकर है, ये एयर सर्किट ब्रेकर था, यानी उत्पन्न कारक का शमन है, यहाँ पर एयर में होता है, यहाँ पर ऑयल में होता है, यानी यहाँ हवा के माध्यम से घुसता है, यहाँ तेल बुझाता है। देखो तेल आर्क का समय करने के साथ साथ इंसुलेशन का भी काम करेगा, इसलिए अपन को कुछ प्रोटेक्शन यहाँ पर और भी मिल जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रकार आता है वो है ABCB का, यानी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर अपन जिसको कहते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जो अपना छठा है वो है ENCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, शायद सबको अच्छे से याद भी होगा। नेक्स्ट सातवां जो है वो है RCCB, पूरा नाम होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखना। उसके बाद में जो आठवां अपना प्रकार रहेगा वो है RCD, रेजिडुअल करंट डिवाइस। तो EMCB, RCCB और RCD, इन तीनों की कार्य प्रणाली एक जैसी होती है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट होता है VCB, पूरा नाम है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। एंड फाइनली दसवां जो अपना है वो है SF6 सर्किट ब्रेकर। इसमें एक गैस भरी जाती है और उस गैस का नाम है सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस, और 6 इसका शुद्ध रूप में जब भरी जाती है तब, और जब ये आर्क का समन करती है तो 4 और 2 दो अलग अलग घटकों में ये बंट जाती है। तो ये 10 सर्किट ब्रेकर है आपके, जिनको फुल नाम आपको याद रखने हैं,
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके फुल फॉर्म मोस्टली, अभी जिनका फोर्थ सेमेस्टर में एग्जाम होने वाला है वो जरूर इसको देख ले और नाम नाम को पढ़ ले, ठीक है ना। ओके, आपके कमेंट का जवाब मैं दूंगा जरूर, लेकिन देखो वही अंतर जो मैं हमेशा बताता आया हूँ भाई, लाइव अलग चल रहा है, लाइक अलग चल रहा है, तो प्लीज़ जिन्होंने नहीं किया वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ये काम आपका है, आप इतना सा जरूर हमारे लिए कीजिएगा, हम आपके लिए जो भी है सपोर्ट करते हैं, अपनी तरफ से जितना हो रहा है हम बेटर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से जितना अपर्ट है वो हमारे साथ कीजिएगा, ठीक है ना। ओके, तो टॉपिक पर आ जाइए। एमसीबी का पूरा नाम सभी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, सबसे बढ़िया होती है, सबसे ज़्यादा इसी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में जो कलर वाला आता है, तो देखो सबसे पहले तो ये रेड कलर वाली है, इसके बारे में ध्यान रखना, रेड कलर की जो होती है अपन इसको आइसोलेटर के रूप में काम में देते हैं, ठीक है। आइसोलेटर जिसको अपन मेन स्विच भी कह सकते हैं, ठीक है ना, यानी घर में मेन जो आती है ना सबसे पहले फेज और न्यूट्रल वाली, वो भाई आवाज़ का यार अपनी तरफ से बेटर कर रखा है, फिर भी नहीं समझ में आ रही तो आप प्लीज़ प्लीज़ ईयरफोन लगाइए। देखो दो माइक मंगा चुका हूँ, दोनों में प्रॉब्लम आ रही है, तो अब वायरलेस मंगवा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप वेट करो, तभी तो मैंने लाइव क्लासेज अभी बंद कर रखी है, आज ही लगाई है बहुत दिन से, क्योंकि ये ज़रूरी था, इतना सारा फोर्थ सेम वालों के लिए करवा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कंपटीशन वाले भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, तो ज़रूर करेंगे, कोई बात नहीं, सुन लीजिए, अब समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। 30-40-50 मिनट जो भी होगा भाई पढ़ तो लो जितना पढ़ सकते हैं अपन, ठीक है ना। ओके, सबके अलग अलग समस्याएं हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक जरूर करें, समस्या ये आपकी सबसे बड़ी है। देखो रेड कलर जो है ये आइसोलेटर के लिए, यानी मेन स्विच के रूप में अपन सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो कलर आता है वो है आपका ब्लू, तो रेड कलर के लिए जो अपन काम में लेते हैं ये लाइटिंग स्विच के लिए होती है, लाइट एंड फैन का जो सर्किट होता है ना, शायद याद होगा आपने इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग वाले में पढ़ा होगा, दो तरह के सर्किट होते हैं, एक लाइट एंड फैन सब सर्किट होता है और दूसरा पावर सब सर्किट होता है, तो जो लाइट एंड फैन सब सर्किट होता है इसके लिए ब्लू कलर की होती है, ठीक है। उसके बाद में आती है ब्लैक कलर वाली, ये ब्लैक कलर होती है डीसी सर्किट के लिए, और कौन सी रहेगी, रेड ब्लू ग्रीन, ओके, तो ग्रीन जो होती है ना आपने, ये कौन सी रहेगी, लाइट एंड फैन डीसी सर्किट के लिए आइसोलेटर के रूप में, और एक ग्रीन और रह गई है ना, लाइट एंड फैन का हो गया, हरे रंग वाली होती है तो इसका भी है, अच्छा ये मोटर परिपथ के लिए होती है, हाँ जब मोटर वाले सर्किट को ऑपरेट करना हो तब ग्रीन, हालांकि इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता पेपर में, खैर आईटीआई वालों से तो पूछ सकते हैं बट बाकी कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ठीक है। और क्या क्या ध्यान रखना है एमसीबी के बारे में, तो ध्यान रखना है एमसीबी सिंगल पोल प्रकार की भी हो सकती है, डबल पोल प्रकार की भी हो सकती है, ट्रिपल पोल भी हो सकती है, और फोर पोल प्रकार की भी होती है, ठीक है ना, चार चार प्रकार की होती है, ध्यान रखना। देखो सिंगल पोल वाली होती है तो ये एक किसी भी सर्किट को कंट्रोल करने के लिए होती है, डीपी जो है डबल पोल बोलते हैं इसको, ये मेन आइसोलेटर के लिए होती है ना। सिंगल पोल का मतलब है एक नॉब होती है, ऑन और ऑफ होती है, केबल फेज होता है। डीपी का मतलब है डबल पोल है, यानी दो पोल है, फेज न्यूट्रल दोनों को एक साथ कंट्रोल करेगी। डीपी का मतलब है ट्रिपल पोल, तो तीन पोल वाली है, एक साथ ऑन एक साथ ऑफ होगी, तो ये थ्री फेज के बैलेंस लोड में अपन काम में लेंगे, और जो फोर पोल वाली है ये थ्री फेज के अनबैलेंस लोड में काम में आती है। अब अगर पेपर में आपसे रेटिंग पूछ ली जाए तो ध्यान रखना है एमसीबी 5 एम्पीयर से लेकर के 63 एम्पीयर तक की आती है, सिंगल फेज में 5 एम्पीयर की भी आती है, और 6 एम्पीयर चल रहा है, खैर आजकल तो 5 नहीं है, 6 एम्पीयर होता है, बट थ्योरेटिकल आंकड़ा 5 ही मिलेगा, तो 6 एम्पीयर से लेकर आप 63 एम्पीयर तक का आंसर दे सकते हो। 63 वाली थ्री फेज के लिए रहती है, सिंगल फेज में अपन 32 एम्पीयर की, 25-25 एम्पीयर की भी फूल लगाते हैं, जो सप्लिट एसी होता है ना उनमें अपन 32 या 25 एम्पीयर की लगाते हैं। तो ये इस एमसीबी के बारे में इतना सा ध्यान रखना, आई थिंक इसकी मोस्ट बातें कंप्लीट हो गई और आपको समझ में आ ही गई होगी कि क्या पेपर में आपसे इसके बारे में कोई पूछा जाना है वो। देखो नेक्स्ट है आपका एमसीसीबी, पूरा नाम होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ठीक है। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर क्या है कि एक तो आपका प्रोटेक्शन जो
ओवरलोड वगैरह होता है उसका, और दूसरा ये एक तरह से टीपीआईसी स्विच की तरह ही होता है, यानी इसमें एक नोब अपन को दिखाई देगी और उससे अपन सप्लाई को ऑन या ऑफ करेंगे, लेकिन जैसे ही सप्लाई ऑन करेंगे तो वो तुरंत लोड को नहीं मिलती, वो एक ऐसे कॉन्टेक्टर को मिलेगी। जब हम कंट्रोल सर्किट से कमांड देंगे तो वो कॉन्टेक्टर पिकअप होगा और वो आउटपुट में सप्लाई भेजेगा। वो आउटपुट सप्लाई जो होगी ना वो सिस्टम या मोटर को या उपकरण या लोड को जाता है। अगर उसमें दिक्कत आती है, ओवरलोड होता है, तो वो कॉन्टेक्टर ड्रॉप होता है। मेन जो अपना MCC भी होता है ये ऑन ही पड़ा रहता है, यानी जिस तरह का अपना स्विच होता है ना वैसे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ACB, तो ये तो हम सब जानते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर होता है। ज़्यादा काम में तो नहीं लेते हैं, बट थ्योरेटिकल इसका उपयोग लोग बता देते हैं कई बार। वैसे ही अपने सिंगल फेज सप्लाई में काम आता है, 660 वोल्ट तक अपन काम में लेते हैं। अब थ्योरेटिकल इसका जो करंट लिखा है वो तो इन्होंने 160 एम्पीयर लिखा है, हालांकि ये अपने जैसे पावर प्लांट वगैरह है तो यहाँ पर ये 4000 एम्पीयर तक भी काम आता है, ठीक है ना। यानी 4000 एम्पीयर करंट तक भी अपन काम में लेते हैं। वैसे इसका 660 वोल्ट और 160 एम्पीयर का जो रेंज है, पेपर में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसमें उत्पन्न आर्क का समन कैसे होता है, यानी जो चिंगारी में एक और ब्रेक के दौरान उत्पन्न होती है वो अपन कैसे जाते हैं, तो इसके लिए इसमें एयर यानी वायु होती है, और वायु कौन सी होती है, प्राकृतिक वायु होती है। ध्यान रखना, एक नेचुरल एयर है, एक कंप्रेस्ड एयर होती है, यानी एक प्राकृतिक एक संपीड़ित वायु होती है। यहाँ पर जो आर्क का समन हो रहा है ना ABCB में, वो आपका संपीड़ित वायु से ही होता है, ठीक है ना, संपीड़ित वायु से ही होगा। और इसमें जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है ओयल सर्किट ब्रेकर, तो ओयल होता है जो आर्क का समन कर लेगा, इंसुलेटिंग ऑयल होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल है, ए ग्रेड का तेल होता है लगभग, तो ये आपको प्रोटेक्शन दे देता है। अलग अलग एक कॉमन चैम्बर भी हो सकता है और तीनों कोलों का अलग अलग चैम्बर भी हो सकता है, दो तरह का होता है ये, मिनिमम ऑयल मैक्सिमम ऑयल वाला, ठीक है। एयर सर्किट ब्रेकर ऑयल सर्किट ब्रेकर दोनों में डिफरेंस इतना सा है कि इसमें ऑयल जो है वो आर्क का समन कराता है, और अपन इसको 110 किलो वोल्ट तक आराम से काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पर जो गाँव में लगे रहते हैं 33/11 का GSS, उनमें तो यही सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद देखो नाम है पूरा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, यानी एयर जो है वो ब्लास्ट किसी आवाज़ करती है ना, तो इसमें संपीड़ित वायु होती है, ऊपर एक प्रतिरोधी चैम्बर होता है, चैम्बर के बाद आर्क बुझाने के लिए ऑप्शन रहता है, तो नीचे से एक दबाव वाली वायु कंप्रेसर के माध्यम से निकलती है जो सर्किट को मेक और ब्रेक करवाने के काम में आती है, अपन सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, ठीक है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, और ये अपना 1100 किलो वोल्ट तक काम में आ सकता है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। इतना किलो वोल्ट अपने होता ही नहीं है, फिर अपन काम में ले सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अपना है ELCB, तो पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा है, ध्यान रखना। ये ELCB और RCCB रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर पूरा नाम होता है, और ये RCD पूरा नाम होता है रेजिडुअल करंट डिवाइस। तो इन तीनों की कार्य प्रणाली एक जैसी होती है, ये अनबैलेंस धारा के सिद्धांत पे काम करते हैं, यानी परिपथ में से गुजरने वाली धारा जब भी असंतुलित होगी, यानी मिली एम्पीयर में अगर अनबैलेंस होगी तो ये ऑपरेट होंगे और तुरंत ट्रिप करवा देंगे, यानी ये हमें लीकेज करंट से प्रोटेक्शन देते हैं, अर्थ फॉल्ट से सुरक्षा देते हैं। अर्थ फॉल्ट जब भी होगा तो ये ट्रिप हो जाते हैं, या यूँ कहते हैं कि बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। कैसे काम करते हैं, इनमें अंदर एक क्वाइल होती है। अगर आपको ELCB का वेक्टर डायग्राम नहीं आता, सो सर्किट डायग्राम नहीं आता है, तो ज़रूर आप बनाइएगा, क्योंकि ELCB का सर्किट डायग्राम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक ऑपरेटिंग क्वाइल होती है और एक कोर होती है, ठीक है ना। देखो ऑपरेटिंग क्वाइल और कोर में क्या डिफरेंस है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक है ना आयरन की कोर होती है ऐसे, और इस कोर पर एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, यूँ आमने सामने, ठीक है ना। ये मान लो प्राइमरी थी, ये सेकेंडरी, इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी के ये दो दो, ठीक है। ये दोनों तो प्राइमरी वाइंडिंग थी और ये दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग के प्रकार है, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग को सबसे पहले सप्लाई मिलती है,
तो ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से सप्लाई मिलती है इन दोनों को, ठीक है, और यहाँ पर वो अपना वन वे स्विच के जैसा होता है। मान लीजिए कि ये फेज था और ये न्यूट्रल। अब ये कैसे काम करेगा, जितनी करंट इस फेज में से फ्लो हो रही है ना, उतनी न्यूट्रल में वापस आ जानी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो ये तुरंत उसी समय ट्रिप करवा देगा, ठीक है ना, उसी समय तुरंत ट्रिप करवा देगा, ध्यान रखना है। अब देखो इधर कैसे होगा, तो ये जो है ना, ये अपने लोड को जाता है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग के एक एक सिरे को इनपुट मिल गया, प्राइमरी के ही दूसरे से आउटपुट जा रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर अपना लोड कनेक्ट है, ये हीटर का सिंबल होता है, ध्यान रखो, ठीक है, और इसको अपन ने मान लीजिए कि अच्छे से ग्राउंड कर भी रखा है, तो वो करंट लीकेज हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब सेकेंडरी कैसे जुड़ती है वो देखना, सेकेंडरी की ये वाइंडिंग तो यहाँ पर आराम से जुड़ जाती है, लेकिन इस वाली वाइंडिंग के है ना, यहाँ पर एक प्रतिरोधक और यहाँ पर एक टेस्ट बटन लगा करके इसमें जोड़ देते हैं। ये टेस्ट बटन इसलिए होता है कि महीने भर में ईएमसीबी पर्चा लेके ना हुई हो तो हम खुद इसको ऑपरेट करा के देख लेते हैं। ये टेस्ट बटन जब दबाएंगे ना तो ये ट्रिप हो जानी चाहिए, भाई हमें क्या पता फॉल्ट नहीं आया कि ईएमसीबी पर्चा लेके नहीं, हो सकता है ये खराब हो गई हो। तो इसके लिए फिर ये टेस्ट बटन होता है कि अपन टेस्ट बटन को दबाएं, कमांड प्रेस करेंगे और पता कर सकते हैं। अब ये जो सेकेंडरी साइड रहेगी ना, तो इधर यहाँ पर एक ऑपरेटिव कॉइल होती है, ध्यान रखना, ठीक है, ये इस तरह से ऑपरेटिंग कॉइल होती है। ये दोनों जो है ना सेकेंडरी वाइंडिंग की लीड, ये इससे कनेक्ट रहती है ऑपरेटिंग कॉइल से, और कुछ भी नहीं है, इतना सा सर्किट होता है। अब देखो काम कैसे करेगा, काम ऐसे करेगा कि जैसे ही अपन इस स्विच को ऑन करेंगे, मेन स्विच को, तो फेज में से सप्लाई यहाँ से धारा जाएगी और इस वाइंडिंग में से होते हुए यहाँ आएगी। अब देखो ये जितनी भी है तो होते हुए यहाँ से वापस आनी चाहिए ना, इन दोनों द्वारा डेवलप मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, कोई किसी प्रकार का यहाँ पर कोर में फ्लक्स नहीं रहता, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस वाइंडिंग में कोई ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा, जब ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा तो ये क्वाइल अपना मैग्नेट नहीं बनाएगी, और जब क्वाइल मैग्नेट नहीं बनाएगी तो ये रिले प्रचालित नहीं होगा, यानी नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जैसे ही फेज में से करंट गया और यहाँ पर ग्राउंड हो रहा है, तो न्यूट्रल में उतना करंट वापस नहीं आया, तो इसका फ्लक्स कब रह गया, इस परिणामी फ्लक्स के कारण यहाँ एक वोल्टेज उत्पन्न होगी, तो ये क्वाइल क्या करेगी, इस स्विच को प्रचालित करेगी, एक प्लंजर लगा रहता है, ये उस प्लंजर को हटा देगी और ये ईएमसीबी आपका सप्लाई को यहाँ से ट्रिप करवा देगा। तो ये ईएमसीबी का डायग्राम है, याद रखना, बहुत अच्छा है, पेपर में हो सकता है इसका डायग्राम देकर आपसे पार्ट के नाम पूछ लिए जाए। तो एक कोर होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग, एक ऑपरेटिंग कॉइल होती है, इतनी सारी कॉइलों को ध्यान में रखना। देखो नेक्स्ट जो दो ब्रेकर अपने कोर रह गए, उनमें एक था वीसीबी, पूरा नाम होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। देखो मेरे हिसाब से आप सभी वैक्यूम के बारे में अच्छे से जानते हो, हिंदी में इसको निर्वात कहते हैं, और निर्वात का मतलब ये होता है कि ना तो उसमें किसी प्रकार की कोई गैस है और ना ही उसमें किसी प्रकार की कोई हवा है, यानी हवा और गैस से रहित जो भी है ना वो आपका निर्वात कहलाता है, ठीक है। निर्वात का अपोजिट भी शायद आप जानते होंगे, ड्राफ्ट है, प्रवाह होते हैं। तो हम सब जानते हैं कि अगर हवा या गैस नहीं होगी तो आग नहीं लग जा सकती, वो बुझ जाती है तुरंत। इसलिए इस निर्वात जो बना के देने पोल पर, जैसे ही इस पार्क उत्पन्न हुआ, निर्वात थी वहां पर, वो समाप्त हो गया, आग बुझ गई। उसके बाद में देखो SF6 वाला, तो इसका पूरा नाम होता है सल्फर हेक्सा क्लोराइड गैस, ये शुद्ध रूप में होती है तो SF6 होती है, जैसे ही बनती है तो ये SF के इसके 4 और 2 बन जाते हैं, ठीक है ना, ये दो अलग अलग भाग बन जाते हैं जो अपन इसको काम में लेते हैं। अब ये जो है ना, तो इस गैस की कई विशेषताएं होती है, एक तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस होती है, यानी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर सोख लेती है, जिससे आग का शमन हो गया। दूसरा, ये गैस अज्वलनशील है, खुद जलती नहीं है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है, और नुकसान ये है कि ये गंधहीन है, लीकेज होती है तो पता नहीं लगता, ठीक है ना, और कुछ नहीं है, बस इतना सही है। जैसे स्पार्क उत्पन्न होता है तो इलेक्ट्रॉनों को तो ये गैस सोख लेती है, प्रतिरोध बढ़ जाता है और पार्क बुझ जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये थे सर्किट ब्रेकर, और सेमेस्टर में जिनका एग्जाम अभी होना है वो जरूर देख लो, पूरे नाम ही पेपर में पूछे जाते हैं, कंपटीशन वाले को रटने में इनको बहुत पेपर में प्रश्न आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही था, वीडियो को कर दीजिए लाइक जिन्होंने अभी तक नहीं किया, दोस्तों को जरूर आगे भेजें,
ये इतना काम आपका है, तो आप इस चीज़ को जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अभी तक चैनल को जिसने नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक तो करना ही है, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए बस इतना ही था, ओके। प्रश्न समझ में नहीं आया कितने, अच्छा नौ बजे शुरू होती है क्लास, तो भाई और क्या पूछ रहे हो, यही था प्रश्न, ठीक है। तो अब और किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जवाब किसका दूं भाई अंकित, तो दोबारा पूछना प्रश्न यार, पहले वाले आगे निकल गए, मैंने पढ़ा नहीं। अच्छा ये शिवा गोरिया, इसने पूछा था कि ईएनसीबी लगी हो परिपथ में और करंट लीकेज हो रहा हो तो क्या झटका लगेगा? नहीं भाई लगेगा नहीं, क्या झटका, ईएनसीबी लगी हुई नहीं रहनी है तो तुरंत ट्रिप ही हो जाएगी। यानी अगर ईएनसीबी लगी हुई है और करंट लीकेज हो रहा है ना, तो ईएनसीबी बिल्कुल ट्रिप हो जाएगी, सप्लाई में ट्रिप होने ही नहीं देगी वो, ठीक है। बस और क्या पूछा था, ए बी स्विच क्या होता है? ए बी स्विच नहीं है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है, ओके। सर क्लास का वीडियो वन वीक समझ नहीं आया भाई, वन वीक मतलब एक वीक वीडियो समझ नहीं पाया मैं, क्या पूछ रहे हो। ईएनसीबी के कनेक्शन कैसे करते हैं भाई, अभी पूरा डायग्राम यही तो बनाया था, ये फोर पोल की भी हो सकती है और टू पोल वाली भी हो सकती है, फेज न्यूट्रल दोनों इसमें से होते हुए जाने चाहिए। तो फेज करंट लेकर के जा रहे हैं, न्यूट्रल करंट लेकर के आ रहा है, घर में अगर लगा रहे हो तो डबल पोल वाली लगा सकते हो, फेज और न्यूट्रल दोनों इसमें से होते हुए जाने चाहिए, ठीक है। बस किसी और का कोई प्रश्न वीडियो को कर देना लाइक, जिन्होंने नहीं किया है, इतनी सपोर्ट आपके है, तो ठीक है दोस्तों, होता है अभी तक इतना ही था अभी के लिए, बाकी और करेंगे, ठीक है।